तो चलिए पढ़ते हैं। काका काले लाकर ने नदियों को लोक माता कहा है ठीक है यानी अब ये काका काले लाकर जो है इन्होंने क्या कहा है नदियों को लोक माता यानी सबकी माता ठीक है लोक माने लोग और माता माने माँ यानी सबकी माँ ठीक है किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूम में देख लें तो क्या हर्ज है यानी कि देखिए कोई भी लड़की पहले वो लड़की होती है ना पहले वो किसी की बेटी होती है किसी की बहन होती है उसके बाद वो किसी की पत्नी बनती है और पत्नी बनने के बाद फिर वो माता बनती है और माता बनने के बाद फिर क्या बनती है तो जब माता बनती है देखिए ये स्टेप एक लड़की की जिंदगी के अहम स्टेप्स हैं पहले वो बहन बनेगी और बेटी होगी किसी की फिर वो बहन बनती है फिर वो किसी की पत्नी बनती है उसके बाद किसी की माँ बनती है हम्म और माँ बनने के बाद सबसे लास्ट में जब वो बूढ़ी होती है तो वो दादी या नानी बनती है ठीक अब जब देखिए जब वो किसी की पत्नी बनती है तो उस स्टेप पे वो किसी की चाची भी होती है किसी की ताई माँ भी होती है है ना किसी की मामी भी होती है और किसी की बुआ जी भी होती है है ना तो वो अलग स्टेप है वो थोड़े दूर के स्टेप हो जाते हैं मेन स्टेप जो होता है जो लड़की की ज़िंदगी में होता है तो सबसे पहले वो किसी की बेटी बन दुनिया में आती है फिर वो किसी की बहन बनती है उसके बाद किसी की पत्नी और उसके बाद किसी की माँ हम्म तो ये चार जो हैं वो सबसे अहम स्टेप हैं तो वो कह रहे हैं कि आप सबसे लास्ट स्टेप देख रहे हो यानी माँ को देख रहे हो माता कह रहे हो लेकिन सबसे पहला स्टेप यानी जब वो बेटी होती है किसी की वो रूप पे तो देखो क्योंकि देखिए जब तक लड़की बेटी होती है तब तक वो शैतानियां भी करती है मस्ती भी करती है और मम्मा पापा जो है वो उसका केयर भी बहुत करते हैं हम्म लेकिन पता नहीं जब उसकी शादी होती है तो लोग कैसे मिले और क्या उसके साथ व्यवहार करा जाए हम्म और देखिए ये किसी से छुपा नहीं है और किसी को बताने की भी बात नहीं है कि हमारे समाज में कहीं ना कहीं आज भी लड़कियों को है ना परेशान किया जाता है ससुराल में इस तरह से लाइक खैर चलिए वो तो अब क्या कह सकते हैं उस बारे में वो तो बहुत लंबी बात हो जाएगी लेकिन चलिए यहाँ क्या कह दें कि हम माता कहने से पहले एक बार उन्हें बेटियों के रूप में देखें जब वो बहुत चंचल होती हैं शैतान होती हैं हर किसी से बात करती हैं क्योंकि माता बनने के बाद वो बहुत सलीके की बहुत सोबर हो जाती हैं हंसना कम कर देती हैं बोलना कम कर देती हैं है ना तो वही बात वो कह रहे हैं तो अगर हम उन्हें पहले बेटी के रूप में देख लें तो क्या बुराई है और थोड़ा आगे चलिए इनमें इन्हीं में अगर हमें प्रियसी की भावना करें तो कैसा रहेगा ममता का एक और भी धागा है जिससे हम हम इनके साथ जोड़ सकते हैं यानी कि देखिए अब क्या है माँ होती है और देखिए लड़की हमेशा हर रूप में जो भी उसका रूप होता है उसके अकॉर्डिंग वो बहुत ज्यादा उन लोगों का केयर भी करती है और उनसे प्यार भी करती है देखिए मुझे पता है मेरी वीडियो लड़के भी देखेंगे उन्हें लग रहा होगा मैम ना लड़कियों के लड़कियों की तारीफ कर रही करिए लेकिन बेटा ऐसा कुछ नहीं है देखिए मैं आपको बताती हूँ गॉड ने ना लड़कियों के अंदर थोड़ी सी फीलिंग्स को ज्यादा दिया इमोशंस को ज्यादा दिया आप देख सकते हैं अगर लड़कों की चोट लगती है ना वो नहीं रोएंगे क्यों क्योंकि वो बहादुर है और लड़कियां रो लेंगी क्यों वो कमजोर है लेकिन ऐसा नहीं है लड़कियों में इमोशंस ज्यादा होते हैं वो जरा सी कोई चीज होगी ना आप देखिए आप अपनी बहन के लिए एक चॉकलेट लेके आइए हुँ, वो उसमें ही खुश हो जाएगी अरे वाह आज मेरे भाई मेरे लिए चॉकलेट लाए ठीक और अगर वो आपके लिए कुछ घड़ी भी लाती है ना तो भी कहेंगे हाँ देखो ये मेरी बहन लाई बस आप खुश नहीं होंगे आप चार लोगों को नहीं बताएंगे वो जाके सबको बताएंगी कि देखो आज मेरा भाई मेरे लिए चॉकलेट लाया है ना तो क्या है ये एक फैक्ट है गॉड ने लड़कियों में इमोशंस थोड़े ज्यादा दिए हैं ठीक है वो रोती भी जल्दी हैं खुश भी जल्दी हो जाती हैं गुस्सा भी जल्दी हो जाती है तो सेम वही बात क्या कह रहे हैं कि अगर हम देखेंगे तो उनकी हमें ममता जब माँ बनती है तो ममता दिखती है है ना बहन होती है बहन का प्यार होता है तो ये कह रहे हैं सॉरी मेरे गले में बहुत प्रॉब्लम है वही बात कह रहे हैं ठीक है थेके? बहन का स्थान कवियों ने इन नदियों को दिया यानी बहन का स्थान कवियों ने दिया है कवि जो होते हैं यानी जो पोएम्स वगैरह लिखते हैं उन्होंने नदियों को बहन माना है एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी यानी कि उसने भी इस तरह से मतलब सोचा था ठीक है थोलिड यानी तिब्बत की बात है थोलिड का है तिब्बत में ठीक है मन उचट गया था किसका लेखक का लेखक का दिल घबरा रहा था अजीब सा हो रहा था जैसे कभी कधार हमें ऐसा लगता है ना कि पता नहीं क्यों ये दुनिया क्यों है मतलब हम क्यों आए इस दुनिया में सिर्फ वही स्कूल पढ़ाई थोड़ी बहुत खेलना सो जाओ सुबह उठो फिर वही हम्म तो वही कह रहा है उसका भी मन उचट गया था कि क्या है ये दुनिया क्यों बनाई गॉड ने है ना तो अब उसने क्या कहा तबियत ढीली थी मतलब इंसान को उल्टी सीधी तो तो है, है लामे मात्रा आएगी ऊ की सतुलुज के किनारे जा बैठ गया यानी अब जाकर वो बैठ गए कहा बैठे सतलुज नदी के किनारे जाकर वो बैठ गए दोपहर का समय था अब समय कहा कौन सा टाइम था दोपहर का पैर लटका दिए पानी में अब आपने अक्सर देखा होगा पिक्चरों में हीरो हीरोइन को कि जब वो स्विमिंग पूल के किनारे या इस तरह से किसी भी पानी की चीज के किनारे बैठे होते तो वो अपने मतलब पैंट के जो पौचे वगैरह है उसको ऊंचा करके पानी में पैर डाल लेते हैं ना तो वही कह रहे हैं कि मैं भी ऐसे ही पैर लटका कर बैठ गया थोड़ी ही देर में उसम्म <coughs> सॉरी प्रगतिशील यानी कि देखिए पानी हमेशा फ्लो में रहता है पानी कभी एक जगह रुक के नहीं होता हम्म उसे कह रहे हैं प्रगतिशील यानी जो तरक्की की तरफ जा रहा है जल ने असर डाला त, तन और मन ताज़ा हो गया यानी अब उसका जो जिस्म था जो उसकी टेंशन थी वो बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स हो गया वो उसे अच्छा लगने लगा क्यों क्योंकि देखिए नदी हमेशा हरकत में रहती है हरकत में रहना यानी कि वो हमेशा मूवमेंट करती रहती है हुं? तो वही वो कह रहे हैं कि मतलब नदी को हम माता कहते हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर हम उससे पहले के उसके रूप देखें तो और मज़ा आएगा हमें पता चलेगा कि माता जो है वो सोबर होती हैं वो सीधी होती हैं वो चुप होती हैं ख़ामोश तबीयत होती है लेकिन माता बनने से पहले जब वो किसी की बहन या बेटी थी तो वो किस तरह से चंचल थी किस तरह से बोलती थी किस तरह से तरक्की करना चाहती थी है ना वो सारी चीजें यहां दिखाई गई हैं। अब आपका पहला प्रश्न पूछा गया किसने नदियों को लोक माता कहा है तो चलिए इसका आंसर देखते कि किसने कहा है नदियों को लोक माता? अब यहां से आप लिखेंगे काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है ठीक है तो आप इसको लिख लेंगे चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन है माता से पहले लेखक नदियों को और किन किन रूपों में देखता है चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग के लेखक माता कहता है नदियों को लेकिन कह रहा है कि माता से पहले हम और कौन कौन से रूप से देख सकते हैं तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं अब आंसर से लिख लेंगे माता से पहले लेखक नदियों को बेटी और बहन के रूपों में देखता है यानी वो क्या कहता है कि माता से पहले ये जो है बेटी और बहन भी है ठीक चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं देखिए आपका क्वेश्चन है क्या लूत

तबीयत ढीली होने पर सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया और पैरों को पानी में लटका दिया ठीक है तो इस तरह से आप लोग लिख लेंगे चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ तो पे आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है ठीक है जिसका अर्थ होता है गरीब आप भी पांच ऐसे शब्द लिखिए जिससे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बने सार्थक माने जिसका मीनिंग भी हो ऐसे नहीं उल्टा पुल्टा कुछ भी बना दे ठीक है अब नदी नदी माने नदी और उसका अगर हमने उल्टा करा तो दीन हुआ दीन माने क्या होता है गरीब और अगर उर्दू में दीन ले तो दीन माने होता है मजहब रिलीजियन ठीक है बहरहाल यहाँ तो हिंदी की बात चल रही है तो हम बता देते आपको तो अब आपको उल्टा करना है तो उसके सार्थक यानी जिसका अर्थ हो वो शब्द बनाने हैं आपको तो चलिए इसका आंसर देखते हैं अब आपसे दस लिखने को के? ओ पाँच लिखने को कहे मैंने यहां दस लिख दिए तो आपको, आपको याद रहे आप लिख सकते हैं नव माने क्या होता है? नया नव का उल्टा क्या बन गया वन. वन माने जंगल और इसका क्या हो गया जरा यानी थोड़ा सा ठीक तप माने क्या होता है गरम और पत माने क्या होता है रास्ता अब क्या है मीन मीन किसी का नाम भी हो सकता है ठीक और यहाँ क्या हो जाएगा नमी नमी माने गीला ठीक रानी रानी का क्या हो जाएगा नीरा ठीक है इसी तरह से देखिए शान शान का क्या हो जाएगा नशा अब शान कहते हैं ना तुम्हारे पास पैसे की शान है भाई शान शौकत है नशा नशा आपका वही नशा जो नशा होता है अब देखिए जरा जरा माने थोड़ा सा हम्म और यहाँ क्या हो गया रजा या, ये नाम होता है किसी का हम्म <coughs> सॉरी राज अब राज का मतलब क्या होता है कि कोई मतलब छुपी हुई बात हम्म अब इसी तरह से देखिए यहाँ क्या लिखा है आपका यहाँ लिखा है राखी ठीक अब राखी का क्या हो गया खीरा ठीक राम का क्या हो गया मरा और धारा का क्या हो गया राधा ठीक है ना तो अब आप इसमें से जो भी आप चाहे तो दस भी कर सकते हैं लेकिन क्योंकि आपसे पांच ही पूछे गए तो आप पांच कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है जो से पांच आपको आसान लगे आप लोग वो कर सकते हैं ठीक है अब ये इस तरह से आपकी हिंदी की वर्कशीट कंप्लीट होती है अब हम लोग मैथ्स की वर्कशीट को पढ़ते हैं फिर वीडियो को पूरा करेंगे चलिए हम लोग मैथ्स की वर्कशीट को पढ़ लेते हैं। पहले आप लोग से लेबल कर लेंगे समकोण के बारे में पढ़ेंगे ठीक है और उसके साथ साथ पाइथागोरस का फॉर्मूला भी जानेंगे हमेशा याद रखिए जो समकोण होता है उसमें ही सिर्फ पाइथागोरस का फॉर्मूला लगता है क्या तीसरी साइड निकालने के लिए जब आपको देखिए कोई भी कोण होता है उसका मतलब उसके तीन साइड से है ना

पाइथागोरस के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं तो चलिए इसको पढ़ते हैं देखते हैं क्या है आवश्यक पूर्व ज्ञान यानी कि पढ़ने से पहले की जानकारी क्या है ये लिखा है समकोण त्रिभुज तथा वर्ग संख्याओं की जानकारी बच्चों घर में एक स्थिति की कल्पना करते हैं क्या है स्थिति ये देखते हैं क्या स्थिति है जहाँ आपके दीवार जहाँ आपको दीवार पर लगी एक तस्वीर उतारनी है यानी यहाँ पे एक तस्वीर लगी उसको आपको उतारना है ठीक जो कि फर्स्ट से दस मीटर की ऊंचाई पर लगी यहां से दस मीटर की ऊंचाई पर लगी है वो ठीक अब इसके लिए आपने आठ मीटर लंबी सीढ़ी का प्रयोग करना अब ये आठ मीटर लंबी आपकी सीढ़ी है ठीक अब क्या लिखा सीढ़ी को दीवार से कितनी दूर पर रखा जाए यानी ये कितना डिस्टेंस होगा ऐसी परिस्थिति में कि मतलब अब हम सीढ़ी को ऐसे रखें कि हम इस तक पहुंच जाए आसानी से क्योंकि दीवार तो दस मीटर है और ये आठ मीटर ही है तो हम सीढ़ी को किस स्टाइल से रखें कि हम वहाँ आसानी से पहुंच सकें ठीक तो इस तरह से दीवार और सीढ़ी उसके बीच की जो दूरी है यानी सीढ़ी से दीवार के बीच की जो दूरी है उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे ये हम पाइथागोरस से कर सकते हैं अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसमें आपको इसे ज्ञात करना है वो मैं सिखाऊंगी कि कैसे करना है पहले हम लोग इसे पढ़ लेते हैं अब देखिए यहाँ क्या लिखा है ईसा से छठी शताब्दी में यानी कि ईसा जो आपका ये अभी ईसवी चल रहा है ना इससे पहले ठीक है यानी दर्शनीय पाइथागोरस ने यानी एक आपके मैथ्स के मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस ने समीकरण यानी कि जो आपके समकोण वाली होती है यानी जो 90 डिग्री की त्रिभुज होता है उसे संबंधित पाइथागोरस गुणान की जानकारी दी यानी उन्होंने इस फॉर्म का इजाद किया समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजाओं को कौ? कर्ण कहते हैं यानी कि उसकी जो सामने की भुजा होती है उसको क्या कहा जाता है कर्ण कहा जाता है ठीक पाइथागोरस गुणान के अनुसार का क्या है कि कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा ठीक है तो ये इक्वल होगा अदरवाइज ये नहीं बन पाएगा कर्ण अब जैसे ये आपके न, है ना देखिए इसको कहते हैं कन यानी हाइपोटनियस ठीक है अगर इसका सम जो है इन दोनों के सम के बराबर होगा यानी इनको जोड़ा जाए और इसको अकेला रखा जाए स्क्वायर में तो अगर ये दोनों का जोड़ स्क्वायर और फिर ये अकेला स्क्वायर बराबर आता है तो ये राइट एंगल बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा ठीक है क्योंकि देखिए मैं इंग्लिश मीडियम की पढ़ी हुई हूँ ना तो मैं बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड्स बोलूंगी तो आप लोग परेशान ना हो ठीक राइट right एंगल का मतलब क्या होता है आपका देखिए अगर मैं इंग्लिश बोल रही हूँ ना तो इससे फायदा आपका भी है कि अगर आपको कोई बोलेगा तो आप उसे पकड़ सकते हैं कि अच्छा इसका मतलब यहाँ पे ये बात हो रही है राइट एंगल का मतलब होता है समकोण है ना और त्रिभुज का मतलब क्या होता है ट्राइंगल ओके okay? तो अब क्या लिखे ध्यान दीजिए कि समकोण की जो सबसे लंबी भुजा है उसको कर्ण, कर्ण कहते हैं यानी कि हाइपोटियस ये भुजा हमेशा सबसे लंबी होगी ठीक है इसे हम क्या बोलते हैं हाइपोटनियस कहते हैं अब देखिए यहाँ आपको एक चीज के जरिए समझाने की कोशिश की गई है इसको समझ लेते हैं उसके बाद हम लोग बाकी क्वेश्चन करेंगे आइए अब हम इसको उदाहरण की सहायता से समझते हैं जैसे कि एक त्रिभुज की जो बुझाएं हैं वो तीन चार और पांच सेंटीमीटर लंबी हैं ठीक है अब हम मान लेते हैं कि तीन है ये आपकी चार है और ये वाली आपकी पांच है तीन चार और पांच ठीक तो हाइपोटनियस यानी आपकी कर्ण जो है वो कितनी हो गई पांच हो गई तो देखिए अब यहाँ लिखा है तो लंबी साइड जो है वो क्या है यानी त्रिभुज है अब इसको हम बताते हैं कि ये त्रिभुज है यानी समकोण त्रिभुज है या नहीं यानी नाइन्टी डिग्री का ट्राइंगल है कि नहीं इसको हमें बताना है अब ठीक ये तो हमने अंदाजे से बनाया है अब यहाँ क्या लिखा देखिए सबसे बड़ा पांच है उससे छोटा चार उससे छोटा तीन तो यानी कर्ण क्या हुआ यानी सबसे बड़ी साइड क्या हुई आपकी पाँच ठीक है तो आप इसको कर लेंगे कि ये पांच सबसे बड़ी साइड है अब पांच का स्क्वायर करेंगे स्क्वायर का मतलब होता है फाइव इंटू फाइव ठीक है यानी फाइव को फाइव से ही मल्टीप्लाई करना है तो फाइव फाइव से कितना हो गया ट्वेंटी फाइव अब अन्य दो बुझाए चार और तीन है तो देखिए चार का स्क्वायर यानी कि चार को चार से करना है हुँ। और तीन का स्क्वायर यानी तीन को तीन से करना है यही है तो अब चार को चार से करेंगे चार चौक सोलह और तीन को तीन से करेंगे तीन तीन नौ तीन तीन नौ ठीक है तो अब देखिए इसका तो योग आपका पच्चीस आ गया था यह रहा आपका पच्चीस योग पांच को करा पांच पंजे पच्चीस आ गया अब देखिए सोलह और नौ को प्लस करा तो ये भी पच्चीस आ गया आ गया नहीं आ गया तो इसका मतलब है कि ये एक समकोण त्रिभुज है यानी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्यों क्योंकि दोनों का आंसर पच्चीस आ रहा है इसका अकेले स्क्वायर करके वर्क करके पच्चीस आ रहा है और इन दोनों का जोड़ के भी पच्चीस आ रहा है ठीक तो देखिए यहाँ क्या लिखा है इसलिए कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग है यानी पच्चीस है अतः ये एक समकोण त्रिभुज होगा ठीक है ध्यान दे यदि कर्ण का वर्ग जो है वो अन्य दो के बराबर ये ऐसे बराबर का निशान लगा के काटते ना तो इसका मतलब होता है नॉट इक्वल यानी बराबर नहीं है तो दोनों भुजाओं का योग अगर बराबर नहीं होगा तो ये एक समकोण त्रिभुज नहीं होगा ठीक है अब देखिए मैंने पूरी कोशिश करी आपको अच्छे से समझाने की और मेरा मतलब भी यही होता है मैं खाली वीडियो नहीं बनाना चाहती मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को हर चीज़ अच्छे से समझ में आए क्योंकि जहाँ तक पॉसिबिलिटी है यही पॉसिबिलिटी है कि अगर आपके एग्जाम्स हुए तो आपको इन्हीं वर्कशीट से ही क्वेश्चनस आएंगे मैं कंफर्म नहीं कर रही लेकिन पॉसिबिलिटी यही है ठीक है तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ ना पर्सनली रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ आपको सजेस्ट भी कर रही हूँ कि बच्चे आप लोग इसी को पढ़ें और इसको अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करें दो तीन बार आपके बड़े भाई बहन होंगे मम्मी पापा होंगे या आप ट्यूशन वगैरह अगर जा भी रहे हैं तो उनसे भी मदद करें मदद लें और इसी को ही अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें ठीक है अब आपके प्रश्न उत्तर हैं जिनके आपको आंसर देने हैं तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रारंभ में दी गई स्थिति का हल पाइथागोरस के गुण के द्वारा ज्ञात कीजिए यानी अब आपको पाइथागोरस के द्वारा ये जो क्वेश्चन दिया गया था ना ये वाला जो भी मैंने आपको बताया था ये ठीक है ये आपको बताना है पाइथागोरस के द्वारा ठीक है तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग देखिए आपको पता है कि क्या फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ठीक है ओ इक्वल टू सी स्क्वायर यानी अगर हम लोग दो को प्लस करेंगे तो तीसरी साइड निकलती है जैसे आप देखिए अगर ये बड़ी वाली हमें हाईपोर्टनेस निकालनी होती है तो इन दोनों को प्लस करना होता है पाथोगोरस में ठीक लेकिन अगर हमें ये दोनों दी हुई हैं और हाईपोर्टनेस निकालनी है, तो प्लस करेंगे अगर हमें हाईपोर्टनेस दिए जो कि यहाँ दी हुई है तो अगर इन दोनों में से कोई साइड निकालनी होती है तो हमें माइनस करना होता है ठीक अब देखिए आपका पता है आपको Uh, क्या हाई कितना है एट हो गया बेस आपको पता नहीं है तो हमने वहां पे एक्स मान ली और ये आपको जो हाइट थी सामने उसका राइट एंगल था वो आपको पता था ठीक है आप क्योंकि स्क्वायर है तो एट एट कितना होता है सिक्सटी फोर ये एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा और टेन को टेन से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हंड्रेड देखिए जब किसी चीज को ऊपर ऐसे स्क्वायर बना हुआ होता है ना तो इसका मतलब होता है कि वो नंबर दो बार आपस में ही मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है यानी ये एट जो है वो एट से ही मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ टेन जो है वो टेन से ही मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है तो एट एट सा सिक्सटी फोर और टेन टेन 10 सा हंड्रेड ठीक अब जब कोई चीज़ इधर प्लस में है और वो इज इक्वल टू के इधर आती है देखिए इज इक्वल टू है तो वो अपने आप माइनस में हो जाती है तो हंड्रेड में से सिक्सटी फोर को माइनस करेंगे कितना बचेगा थर्टी सिक्स ठीक है अब यहाँ एक्स के ऊपर स्क्वायर है हम ऐसे नहीं छोड़ सकते तो जब यहाँ से हम स्क्वायर हटाते हैं तो इस तरफ डिजिट के ऊपर अंडर रूट आ जाता है ठीक अब अंडर रूट को हम कैसे सॉल्व करते हैं कि देखिए सिक्स इंटू सिक्स

ठीक तो कर लेंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन आप यहाँ से लिखेंगे कि रीना को एक समकोण त्रिभुज बनाना है ठीक है दो उसको मेजरमेंट दिए गए हैं दोनों में से कोई एक सही हो सकता है हो सकता है दोनों सही हो तो आप, आपको यही उसकी मदद करनी है कि कौन सा जो माप है वो सही है समकोण त्रिभुज के लिए तो अभी हम लोग ने ये एग्जाम्पल जो पढ़ा है इसी के अकॉर्डिंग ये करना है तो चलिए पहले इसको देखेंगे फिर इसको देखेंगे ठीक है दोनों के आंसर देख लेते हैं आप इसका आंसर क्या लिखेंगे कि इसमें सबसे बड़ा नौ है ठीक है अब नौ को नौ से मल्टीप्लाई करा तो इक्यासी आया बाकी के दो का जो जोड़ जो 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 निकालना है तो देखिए चौसठ और छत्तीस आया इसका जोड़ जो निकलेगा सौ इसका निकला इक्यासी तो अब ये दोनों बराबर नहीं है ना तो जब ये बराबर नहीं होते देखिए मैंने बताया था ये साइन लगता है कि बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये कि ये एक समकोण त्रिभुज नहीं है ठीक है तो इस तरह से आप ये सारी बातें लिख लेंगे बस ये ध्यान दे जो ये लिखा है ये आप नहीं लिखेंगे ठीक है बाकी ये पूरा एज इट इज़ आप उतार लेंगे जो कि ये आपको दिखाया गया है चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे दस सबसे बड़ा है ठीक तो दस को हमने ऐसे मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया सौ अब ये आठ और छः तो आठ का क्या हो गया चौंसठ आठ इंटू आठ चौंसठ और छः इंटू छत्तीस है ना अब चौंसठ और छत्तीस को जोड़ा तो सौ तो देखिए लंबी वाली जो साइड थी वो भी सौ आ रही है सॉल्व करके और बाकी की दो का जोड़ सौ आ रहा है हुँ? तो जब दोनों बुझाए बराबर होती है दोनों का जो ये आता है बराबर आता है तो ये एक समकोण हो जाता है ठीक है समकोण त्रिभुज हो जाता है ठीक तो इस तरह से आप लोग इसे पूरा उतार लेंगे एज इट इज चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अब आप यहाँ तीसरा क्वेश्चन आपका क्या लिखा है ए बी सी देखिए ए बी सी ये ती... आपका ट्राइंगल समकोण हो गया एंगल सी पे 90 डिग्री बनना है ठीक है यदि ए e, सी यानी ये आपका ए सी पांच सेंटीमीटर और ए बी यानी ये वाला ये तेरह सेंटीमीटर है तब बीसी नीचे की जो दूरी है जिसकी लंबाई है वो क्या होगी ज्ञात कीजिए तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग अभी देखिए मैंने अभी, अभी अभी आपको बताया कि अगर हमें ये वाली निकालनी होती है, अगर, तो हम प्लस करते हैं है, तो तो है, तो कितना हो गया पांच का स्क्वायर ठीक है उसके बाद आपका सीबी का स्क्वायर हो गया यहां तो हमें पता ही नहीं है क्या तो वैसे ही रहेगा फिर ए बी का स्क्वायर हो गया तेरा ठीक अब पांच का स्क्वायर मैंने भी आपको बताया कि इसका मतलब पांच इंटू पांच तो पांच इंटू पांच कितना हो गया पच्चीस तो ये देखिए लिख दिया ठीक है अब ये तेरह लिखा है ना तेरह का इसका इसका मतलब तेरह इंटू तेरा ठीक है तो वन सिक्स नाइन हो गया तेरा का ठीक है यानी वन हंड्रेड सिक्सटी नाइन ठीक अब जब कोई चीज इधर प्लस में होती है और वो इक्वल टू की इधर आती है तो किस में हो जाती है माइनस में तो वन सिक्स नाइन में से आप क्या करेंगे ट्वेंटी फाइव को माइनस करेंगे जब आप ट्वेंटी फाइव को माइनस करेंगे तो आपका क्या बचेगा वन फोर फोर यानी एक सौ चवालीस फिर वही बात यहाँ पे स्क्वायर लगा है हम इसे छोड़ नहीं सकते इसको स्क्वायर को हटाएंगे यहाँ अंडर रूट लग जाएगा अब इसको हम करेंगे तो इसको जब हम एलसीएम करके खोलेंगे तो ये आएगा बारह इंटू बारह अंडर रूट में तो अब अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए हमें दो एक जैसे नंबर चाहिए होते हैं जिसमें से एक नंबर बाहर निकलता है अब दो बार बारह आ गया तो हमने एक बार आपको बाहर निकाल दिया और अंडर रूट को हटा दिया तो इस तरह से हमें पता चलता है कि ये जो आपकी ये वाली लाइन है ये कितनी आएगी आपकी बारह आएगी ठीक है यानी बारह सेंटीमीटर हमेशा याद रखिए ये यूनिट लगाना आप कभी नहीं भूलेंगे यूनिट लगा अगर आप नहीं लगाते ना ये जो साइड में लिखा होता है सेंटीमीटर मीटर इंच तो आपके मार्क्स कट जाते हैं ठीक तो अब आप लोग इसे लिख लेंगे चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग

कि ये फोर्टी है ये थर्टी है जो चीज़ हमें नहीं पता होती उसको हम एक्स मान लेते हैं ठीक तो अब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ठीक है तो अब देखिए ये कितना हो गया चालीस ए स्क्वायर कितना है चालीस ठीक है और बी कितना है तीस तो अब चालीस को करेंगे तो ये आ जाएगा सोलह सौ यानी फोर्टी इंटू फोर्टी ठीक है तो दो जीरो तो एज इट इज आ जाएंगे फोर फोर दिक्सटीन हो जाएगा तो सोलह सौ आ गया अब इसी तरह से हम ये थर्टी इंटू थर्टी है इसका मतलब है ना तो क्या हो जाएगा थर्टी इंटू थर्टी ठीक तो दोनों जीरो से दोनों जीरो आ जाएंगे और थ्री थ्री से नाइन हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा नौ सौ अब नौ सोलह सौ और नौ सौ को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा पच्चीस सौ ठीक अब या फिर वही बात ये देखिए स्क्वायर लगा इसको हटाएंगे तो ये अंडर रूट बन जाएगा ठीक अब जब हम ये अंडर रूट को हटाएंगे तो अंडर रूट हटाने के लिए क्या करना होता है मैंने अभी आपको बताया कि उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई देना होता है तो तब यहाँ कितना आ जाएगा पचास इंटू पचास ठीक अब दो पचास में से एक पचास बाहर निकल गया तो आपका आंसर आ गया यानी कि आप जो आपकी ये वाली जो दू न, वो लगी धागा आपका मांझा कितना लगा पचास मीटर लगा ठीक है तो आप लोग इसे कर लेंगे चलिए तो आज की वर्कशीट को हम लोग ये खत्म करते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग